क्या है चाचा की तरफ से तेरे लिए आदर रोनी के लिए हाथ की उपलब्धि नहीं हमारी प्लेन को निकलने का थोड़ा टाइम बाकी है। आई एम ग्लैड टू सी कि यहाँ पे भीड़ ही नहीं है। दिमाग देखो, चेक इन कर लिया, सब कर लिया, टिकट तो प्रिंट ही नहीं करी। क्या दोस्तों, वेलकम बैक टू द व्लॉग एंड न्यू एपिसोड। भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है यहाँ पे। ये सुबह के 7 बज रहे हैं, हमारी फ्लाइट को ऑलमोस्ट अभी टाइम हो चुका है, निकलना है हमें यहाँ से। बहुत ठंडा है, लिटरली बहुत ज़्यादा ठंडा है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हम मदर नेचर कहते हैं तो ये मदर का कौन सा नेचर है। लाइक गर्मी और बारिश समझ में आता है, ठंड क्यों। एंड चलिए निकलते हैं। चेक इन हमारा ऑनलाइन चेक इन हुआ है क्या? शिट, हमारा ऑनलाइन चेक इन नहीं हुआ है। 9 बजे की फ्लाइट है, तो बाय। यार एक बात तो है, दूसरे शोर में ना आसमान क्लियर भी दिखता है, साफ भी दिखता है, हवा भी अच्छी आती है। अपने उधर थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर मैं फटाक से वेब चेक इन कर लेता हूँ। खाली इसमें एक सवाल समझ नहीं आता। सवाल है वेब चेक इन में, आर यू कैरिंग डेंजरस गुड? अगर मैं कैरी भी करूँ तो बताऊँगा थोड़ी। हमारा तो सही भाई, पार्ले जी जहाँ मिला और हल्की सी चाय डुबा और खाए, मज़ा आ गया, मज़ा ही आ गया। बैठे इधर, मेरे मजे बोल रहा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। अच्छे इधर आ। क्या है चाचा की तरफ से तेरे लिए आदर रोनी के लिए? हाथ की उपलब्धि नहीं। ले रख रख, अभी मेरा कोई तोहफे नहीं लाया हूँ, तू ही रखिए, रख के ये तुम्हारा हो गया, खत्म। चलो बंधु, चलो चलो चलो। अच्छा जी, अरे बाबिया सामान सारा ले लीजिए। हाँ जी सारे ठीक है। विनीत भैया बहुत बढ़िया लगा। मिलते हैं आपको इंटरवल के बाद। वो छूट गया रहेगा तो हो गया, कोई नहीं, पूरी है। छूट गया रहेगा तो लेने आ जाना भाई कल। हाँ कल लेके आ जाना। चलिए भाभी जा रहे भैया को लेके। वो तो खुश है। छोटू का बर्थडे आ रहा है ना 15 तारीख को। तुमको टास्क बताए? ठीक है तुम्हें टास्क बता दिया, क्या करना? तो आपको एटलीस्ट 3 ऐसे टोल और मिलते हैं जहाँ आपको पे करने की जरूरत नहीं होती इन सिटी। अगर आपने से मान लो आपने आप शिरडी से आ रहे हो, आपने मेन एक नासिक की तरफ टोल पे कर दिया, ठीक है, मुंबई एंटर करने के सबसे पहले वाला, अगर आपने वो पे कर दिया ना तो आपको मुंबई घुसने के बाद भी वाशी का या किधर का एक दो टोल आपको पे नहीं करना है, ठीक है। उसमें लिखा होता है दिस टोल इज वैलिड फॉर 100 किलोमीटर्स एंड उसके अंदर जितने भी टोल्स आते हैं वो माफ़ होते हैं। ओके पर लोगों को पता नहीं है तो हर टोल में पे करते हैं एंड फास्टैग इतना बेकार है कि वो हर टोल में काटता है। फास्टैग से तो बिल्कुल कोई चीज़ ही नहीं है। फास्टैग तो ऐसा होता है बहुत बार दो बार पैसे कट जाते हैं, वो बैरियर खुलता नहीं, बाहर मैसेज आता है। हाँ मैसेज आता है कम से कम आपका, जब आप बहुत लंबे निकल चुके होते हो आधे एक घंटे बाद। हाँ तब फिर जाके बार तो ऐसा होता है ना 1000 रिचार्ज करके छोड़ा हुआ, पता नहीं लगता 1000 कब खत्म हो गए। आप सोचते हैं मैं 5-6 बार होके आया था, ये क्या हुआ। अच्छा कोई स्टेटमेंट देते नहीं है वो। अच्छा चलो भाई फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गए। ना बड़ा मत बना, हम दो तो ब्रो वाले हैं, हम लोग ब्रो वाले हैं। ये ब्रो वाला कार था कहीं वहां तक ही ठीक है। अगली बार आते हैं जल्दी, बहुत जल्दी है ना। मैं अगर इंदौर आऊंगा तो आपको बताता हूँ, शाहरुख को दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल आना और स्टे ही करना ना, फिर आराम से गाड़ी लेके घूमना। चलो ठीक है, मैं ड्राइवर का कार भेज दूंगा, आराम से घूमना शाम को घर आके उज्जैन पे स्टे के लिए। चलो ठीक है, ऐसा कुछ फुल ऑफ करते हैं। देख लेंगे ओके, अमल करे बाय बाय। केक लेके आना उसके लिए, ठीक है, गेम प्लान सब बता दे तुझको। चलो बाय बाय। तो भाई भैया जा चुके हैं
अभी यहाँ पे इंदौर एयरपोर्ट पे क्या होता है, बेसिकली अगर आप आ रहे हो ना तो यहाँ पे आपके बैग्स को भी चेक किया जाता है पहले ही, लाइक चेक इन बैग्स को पहले एक्सरे एक्सरे मार लेते हैं, तो थोड़ा वैसे सेफ है। वैसे दूसरे एयरपोर्ट में मैंने डोमेस्टिक में देखा नहीं है, यहाँ पे पहली बार देख रहा तो अच्छा है। लाइए भाई, हमारी प्लेन को निकलने का थोड़ा टाइम बाकी है। आई एम ग्लैड टू सी कि यहाँ पे भीड़ ही नहीं है, यहाँ पे लोग ही नहीं है, तो अपना काम तो हो गया। दिमाग देखो, चेक इन कर लिया, सब कर लिया, टिकट तो प्रिंट ही नहीं करी। यू नीड टू प्रिंट योर टिकट फर्स्ट। अभी हमारे साथ काउंटर पे कुछ मोहतरमाएँ थी, भाई साहब इनकी तो चेक इन बंद हो गई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई कैन फील द पेन। बैक टू डूइंग द सेम एक्टिविटी जो मुझे एकदम पसंद नहीं है एयरपोर्ट्स की, सिक्योरिटी चेक इन। क्योंकि भाई सिक्योरिटी चेक इन होती इन लोग की, मेरा होता चीरहरण, क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा सामान निकाल दिया जाता है। भाई हो गया चीरहरण ख़त्म। इंदौर की जो एयरपोर्ट है वो अभी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर, जीबी के अंदर नहीं है। ओके, वॉच पहन ले। ये फ़ोन अभी बर्बाद हो गया क्योंकि इसकी जियो की इंटरनेट ख़त्म हो चुकी है। फ़ोन रखें एंड चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। Love is love. बैक टू मुंबई, अपनी जगह वापस आके ना जो टेम्परेचर लग रहा है ना, मज़ा ही आ गया। लाइक बस एक ही बात है, लैंड करते पहली चीज़ जो अच्छी लगी है वो लगी यहाँ का टेम्परेचर। अब जाते फटाक से हुडी उतारूंगा, स्वेट शर्ट। चलो भाई, अपने शहर में आके जो गर्मी मिली है ना, लेकिन मज़ा आ गया। ये होता है प्लीजेंट वेदर, दिस ये होता है सबसे बढ़िया वाला विंटर, तो ये बोला। भगवान, मुंबई की गर्मी लगते ही मज़ा आ गया, कसम बोलता हूँ। अपनी वाली वाई भाई, ऐसा लगा कि हाँ अब ऐसा लग रहा है कि हम समर सीजन में हैं। तो भाई अभी हम फाइनली आ चुके हैं बैक टू आवर होम बेस। मुंबई आके बहुत अच्छा लग रहा है, गर्म लग रहा है, मज़ा आ रहा है। ऑल इन ऑल में उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो इंदौर का व्लॉग था पसंद आया होगा। अगर आपको इन डिटेल एक व्लॉग भी आएगा बहुत जल्दी, बिकॉज मैं वंस मोर इंदौर आने वाला हूँ, एंड जब वहाँ पर मैं आऊँगा तो आप लोग को मिलूंगा भी, एक अच्छा हम लोग मीटअप भी करेंगे, थोड़े कुछ गिव अवेज भी करेंगे वहाँ पे वन ऑन वन मिल के। एंड ऑब्वियसली अगर वहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो हम खाएंगे भी, बिकॉज इस बार मैं ज़्यादा कुछ खाया पिया नहीं हूँ वहाँ पे। एज ऑलवेज अगर आपको मुझसे बात करनी है तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं तो ट्विटर भी है, स्नैपचैट भी है, डू फॉलो मी ऑन ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स, वहाँ मैं पर्सनली खुद आकर रिप्लाई देता हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है पर भाई रिप्लाई मैं डेफिनेटली देता हूँ। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं कोई और भी डेस्टिनेशन से मैं जाऊँ, वहाँ पर भी कवर करूँ, आपको चीज़ें दिखाऊँ, तो नीचे ज़रूर कमेंट कर दीजिए या मेरे सोशल मीडिया से मुझे यहाँ मैसेज कर दीजिए, मैं फिर वीडियो पक्का बनाऊंगा। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, तुम जहां पर भी सेफ और सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान देना। मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल के ट्रैवल ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए।